हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इन्फो। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक और प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मेनली उनके लिए है जो घर में अपना AMD का डेस्कटॉप रखे हैं और वो चाहते हैं कि वो सेकेंड जनरेशन से या थर्ड जनरेशन पे अपने जो है डेस्कटॉप के परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना या बूस्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो प्रोसेसर है आपका, ये जो है 5000 सीरीज का है, मतलब ये 5th जनरेशन का Ryzen 7 का है। और इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हो सकता है ये आपका 5700X है। तो ये जो प्रोसेसर है मेरे को अमेजोन से करीब आपका 19,000 कुछ रुपए का पड़ा है। तो ये प्रोसेसर 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। तो ये जो आता है आपका जेन आर्किटेक्चर 3 के ऊपर बेस्ड है और इसका जो सॉकेट है ये आपका AM4 है। तो अगर आपके पास सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का अगर आपके पास मदरबोर्ड है तो उसमें ये बस बायोस अपडेट करके आप इसको लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है क्योंकि मुझे अपग्रेड करने के लिए, अगर मैं 7th जनरेशन पे अपग्रेड करता तो मुझे अपना हर चीज़ अपग्रेड करना पड़ता, मदरबोर्ड ये सब। तो इसलिए मैंने एक ठीक ठाक सा रिसेंट सा प्रोसेसर जो है मैंने परचेज किया है। ये जो है आपका बस खाली इसमें प्रोसेसर चेंज हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ वैसे का वैसे रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें जो है आपको 3 साल का लिमिटेड वारंटी मिल जाता है। और ये जो है आपका दिख रहा होगा आपको, ये है आपका 36 MB कैच के साथ आता है और ये फुल्ली अनलॉक्ड प्रोसेसर है। तो AMD ने ये प्रोसेसर तो बनाया है लेकिन बहुत सारा चीज़ उन्होंने ख़राब भी किया है। तो क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। तो बॉक्स को पहले ओपन करके मैं दिखाता हूँ कि आखिर उन्होंने किया क्या है। तो बॉक्स का पैकेज में आपका कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बॉक्स का पैक निकालिएगा तो ये देखिए, इसमें फ़ैन का तो डब्बा है बट इसमें फ़ैन नहीं है कहीं। ओके, ये क्यों दिया गया है इतना बड़ा पैकिंग, हमको तो समझ में नहीं आता है। इसमें क्या पानी रख के पीने के लिए दिया गया है कि इसलिए दिया गया है, मतलब बेशर्मी का हद है। आप प्रोसेसर बनाते हो, आप उसके साथ फ़ैन नहीं देते हो, बस खाली है कि ये चिप दे देते हो। लोग क्या करेंगे कि सीधा मदरबोर्ड में लगा देंगे, या तो आप प्राइस कट करने के चक्कर में, आपने 200-300 रुपये बचाने के चक्कर में आपने इसके साथ फ़ैन नहीं दिया। और ये स्टिकर कौन सा काम का भाई, इसको क्या कोई माथा पे लगा के घूमेगा क्या? Ryzen 7 का स्टिकर दे दिया है आपने, ये भी नहीं देता, ये इसमें भी आपका 50 पैसा बच जाता, ये आपने क्यों दिया मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। ऐसा करते कि ये कवर भी नहीं देते प्लास्टिक, ये भी नहीं देते, इसका कोई मतलब नहीं है क्या? टूट जाता तो क्या होता है, रिफंड फिर से रिप्लेस करवा लेते हैं, अमेजोन में तो रिफंड पॉलिसी है ही। तो भाई यही समझ में नहीं आता ना कि आप प्रोसेसर खरीदो, आपके साथ डब्बा है, ये क्यों दिया? जब आपने प्रोसेसर ही नहीं दिया तो आपने ये क्यों दिया? भाई शर्म करो, जा करके कहीं पर थूको और उसमें डूब के मर जाओ, ठीक है AMD वालों को। भाई अब इस प्रोसेसर को, चलिए हमारे पास तो पुराना 3600 का फ़ैन है तो मैं इसमें लगा लूँगा, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम परचेज किया, या तो उनको लिक्विड कूलिंग खरीदना पड़ेगा, या तो या आप मेरे को ये बता दो कि ये इतना गर्म होता है कि आपका स्टॉक फ़ैन से इसको ठंडक नहीं मिलेगी, नहीं तो या तो ये पूरा ठंडा होता है और इसको कोई फ़ैन का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ क्या है आप खुद इसमें बता दो, आपने तो शायद इसमें कहीं भी लिख भी दिया होगा, हाँ कूलर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, कूलर नहीं है नहीं है, लेकिन यार 200-300 रुपये बचा के आपने क्या कर लिया? पैकिंग तो आपने वही बनाई, बस खाली आपने प्रोसेसर डाल करके छोड़ दिया। तो हटाइए, ये तो बात का चीज़ है, साइड कीजिए इसको। और डब्बे के अंदर आपको ये मिल जाता है, देख लीजिए, वारंटी कार्ड है, ये है यूज़र मैनुअल है, इसको पढ़िएगा ना तो आपको अलग से ठंडक मिलेगी। आपको इसी ठंडक से आपका जो है पूरा PC आपका ठंडा हो जाएगा, इसको पढ़ने के बाद एक अलग से ठंडक मिलेगी आपको, ठीक है, बहुत अलग से ठंडक मिलेगी। इसको साइड करिए। और ये रहा आपका चिप Ryzen 7 का 5700X। और मतलब क्यों भाई, तो आपको जो तो पता ही हुआ कि AMD की प्रोसेसर जो होती है वो पिन वाली होती है, और अभी जो नई जो आ रही है AMD की प्रोसेसर 7th जनरेशन की, उसमें जो है ये पिन सिस्टम हटा दिया गया है, उसको आपको पिनलेस बनाया गया है।
इसका परफॉर्मेंस कैसा है और ये आप किस तरह से, मतलब आपको अपग्रेड करने में कितना स्पीड का फ़र्क मिलेगा, ये मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगला वीडियो में। तब तक कि बने रहे हमारे चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंस अगेन, शर्म करो AMD, तुमने फैन हटा दी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।